नमस्कार दोस्तों, रिलीजिंग एंगर यानी कि गुस्से को कैसे बाहर निकाल दे या छोड़ दे, इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुस्सा अपने आप नहीं जाएगा, कोई तो वजह है जो गुस्से को लाती है। अब हम सब यह जानते हैं कि गुस्सा तो कोई हमें दिलाता है, हमें लगता है कि कोई व्यक्ति कोई घटना हमारी जिंदगी में गुस्सा लेकर आती है। ऐसा ही एक शिष्य था जो अपने गुरु के पास पढ़ रहा था। वो पढ़ाई में तो बहुत अच्छा था, लेकिन गुस्सा बाप रे बाप नाक पर चढ़ा रहता था। एक बार गुरु को एहसास हुआ कि इसे अपने गुस्से पे कुछ काम करना चाहिए और उन्होंने उससे यह बात कही। तब वो बोला, लेकिन गुरु जी गुस्सा तो लोग दिलाते हैं, मैं थोड़ी ना गुस्सा करता हूँ। फिर गुरु जी ने कहा, ठीक है अभी एक प्रयोग करके देखते हैं। तुम इस एकांत वाले बंद कमरे में चले जाओ, वहां पे एक बड़ा सा तकिया रखा हुआ है, अपना सारा गुस्सा उस पे निकाल दो। उसने कहा कि निर्जीव तकिया पे कैसे गुस्सा निकलेगा, वो तो जीते जागते लोग घटनाएं मुझे गुस्सा दिलाती हैं। लेकिन फिर भी चलो गुरुजी कहते हैं तो मैं कोशिश करके देखता हूँ, और इसलिए वो चला गया। जब उसने उस तकिया को मारना या गुस्से में कुछ कहना शुरू किया तो उसके सामने एक एक तस्वीरें उनकी आने लगी जिनके ऊपर उसे गुस्सा था। काफी देर तक वो यह प्रयोग करता रहा। आधे घंटे बाद जब वो बाहर आया तब उसे अच्छा लग रहा था और उसने गुरुजी से बोला कि हाँ आप जो कह रहे हैं शायद ये सही है, लेकिन फिर भी अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है कि गुस्सा तो बाहर से लोग दिलाते हैं, ये जो गुस्सा निकल गया वो उन्होंने दिलाया हुआ था, ये मेरा नहीं है। गुरुजी ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर उसे वहीं भेज दिया और कहा कि निकालो अपना गुस्सा उस तकिए पर। दूसरे दिन फिर उसने वही किया, लेकिन आज उसका जोश थोड़ा कम था और गुस्सा भी कम था। फिर आधे घंटे बाद जब वो बाहर आ गया तब उसने गुरु से जाकर बोला, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे कंधे से बहुत बड़ा बोझ किसी ने हटा दिया, ये कैसे हो गया? तब गुरु बोले, ठीक है और एक दिन प्रयोग करके देखते हैं, अपने आप तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तीसरे दिन फिर वही बात, उसे अंदर भेज दिया, लेकिन 5 मिनट के अंदर वो बाहर आ गया। गुरु जी ने पूछा, क्या हुआ, तुमने आज गुस्सा नहीं निकाला उस तकिए पे? तो वो कहने लगा, गुरुजी 2 दिन से मैं आधे घंटे उस पे गुस्सा निकाल रहा था, चिल्ला रहा था, गालियां दे रहा था, मार रहा था, लात मार रहा था, मुक्के मार रहा था, उसे नोच रहा था उस तकिए को, लेकिन आज मुझे गुस्सा आ ही नहीं रहा, तो मैं क्यों गुस्सा करूं उस पे? फिर गुरुजी ने कहा, यही मैं कहना चाहता था, गुस्सा बाहर से नहीं आता, बाहर का कोई भी गुस्सा नहीं दिलाता, गुस्सा अंदर होता है। जैसे कि कोई पेट्रोल का डिब्बा भरा पड़ा हो, उसके पास माचिस के तिल्ली के आते ही वो भड़क उठता है, उसी तरह हमारे अंदर अगर गुस्सा भरा पड़ा है तो जैसे ही कोई ट्रिगर यानी कोई व्यक्ति छोटी सी भी कोई बात कर देता है तो हम भड़क उठते हैं, लेकिन इसमें जलते तो हम खुद ही है, नुकसान तो हमारा खुद का ही होता है। तो इसलिए यह जो नुस्खा, यह जो प्रयोग गुरुजी ने उस शिष्य को बताया था वो बहुत ही कामयाब प्रयोग है और इस पे बहुत सारे रिसर्चेस भी हुए हैं। तो क्यों ना हम सब इसी प्रयोग को दोहरा कर अपने एंगर को रिलीज कर दें, हमारे गुस्से को बाहर निकाल दें, ताकि कोई कुछ भी करे हमें गुस्सा आएगा ही नहीं, और जब हमारा गुस्सा कम हो जाएगा ना तब हम दूसरों को वही बात डांट पड़ेगी समझाएंगे, लेकिन अलग तरीके से समझाएंगे ताकि वह गुस्से वाली चेन आगे ना बढ़े। मान लीजिए कोई कंपनी का बड़ा बॉस है, वो अपने सबॉर्डिनेट्स पे अपने के नीचे काम करने वाले लोगों पर गुस्सा कर रहा है, वो उनके नीचे काम करने वालों पे गुस्सा कर रहा है, और आखिर में जाकर वो सारा गुस्सा अगर जो सबसे लास्ट उस कड़ी में आदमी है वो नहीं किसी पे निकाल सकता, वो घर आकर अपने बीवी बच्चों पे निकाल रहा है, बीवी बच्चे कहीं और जाके वो गुस्सा निकाल रहे हैं, तो ये चेन जो है वो समाप्त करना उसकी जिम्मेदारी है जो ये समझता है कि गुस्सा बाहर से नहीं आता, गुस्सा अंदर ही पड़ा। तो हम यही प्रयोग करेंगे कि एक बंद कमरे में
या ऐसी जगह जाकर जहाँ पे कोई नहीं हो, या तो बॉक्सिंग के पंचिंग बैग जो होती है वो, या तकिया, या ऐसी कोई भी चीज जिस पर हम सारा गुस्सा उतार दे, चिल्ला के, चीख के, लात मार के, मुक्के मार के। और जब ये प्रयोग हम करेंगे तब हमें पता चलेगा कि अंदर से हम कितने खाली हो गए हैं, कितना हल्कापन महसूस हो रहा है सिर्फ एक अंदर दबे हुए गुस्से को निकाल बाहर फेंकने से। तो चलिए आज ही शुरू करते हैं इस प्रयोग को।